हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेडीमेड कुर्ती में बाजू लगाना बताने जा रही हूँ। पहले रेडीमेड बाजू जो साइड में लगी रहती है, अटैच रहती है, उसे निकाल लेंगे हम सिलाई खोल के। उसके बाद दोनों बाजू को आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं प्लेन करने के लिए। उसके बाद इसकी मुहरी को हम फोल्ड करके सिल लेंगे। दोनों बाजू को एक समान मुहरी सिलाई चला देंगे। एक सिलाई ही चलाएंगे, रेडीमेड में एक सिलाई ही रहती है और ये सुंदर दिखती है। उसी प्रकार मैंने दूसरी भी मुहरी को सिल दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इजी वे में आपको कुर्ती में बाजू लगाना बताने जा रही हूँ। हम बराबर बराबर रख लेंगे दोनों बाजू को आपस में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद इसको आपस में देख लेंगे कि हमारा बराबर है या नहीं बाजू कटिंग। फिर हम इसे शेप अच्छे से दे देंगे बाजू का। साइड में भी हम दे देंगे अच्छे से तिरछा शेप। इसके बाद हम हाफ इंची का बाजू में छांट लगाएंगे। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि दोनों बाजू आमने सामने होनी चाहिए, दोनों साइड के सीधे भाग ऊपर होने चाहिए आपस में। जैसा मैंने बाजू को लिया है, हाफ इंच का छांट हम लगा देंगे, देख सकते हैं आप वीडियो में। अब दोनों बाजू के बीच में हम छोटा सा कट लगाएंगे मुंह के पास, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, बैठाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। और इसमें पिन की हम सहायता लेंगे। कंधे के भी बीच के भाग को लेंगे और बाजू के बीच के भाग को लेंगे और दोनों में पिन अटैच कर लेंगे। पिन से हम इसे सहारा देंगे। आप चाहे तो सुई धागा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक साइड से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। सीधे तरफ से ही सिलाई चलाएंगे। जिस पर रेडीमेड सिलाई चली हुई है, उसी के जस्ट पास में ही हम सिलाई दूसरी सिलाई चलाएंगे। फिर हम पिन जो है वो निकालते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे इस तरह से। पिन लगाने से ये इधर उधर नहीं खिसकती और अच्छे से बैठ जाती है। आप अगर बिगिनर हो तो आप सुई धागे से पहले इसे बड़े बड़े टांके लगा दें, उसके बाद मशीन चलाएं, ताकि यह अच्छे से लग जाए, बाजू खिसके ना इधर उधर। अब इसी तरह से मैंने दूसरी भी बाजू लगा दी है। अब देखिए, इसके मुहरी में को पलट के मैंने सिलाई चला दी है। मुहरी को हम नाप लेंगे कि कितने इंच की मुहरी है, और फिर एक सिलाई और चला दूंगी मैं। मुंह को अच्छे से बांध देना है ताकि ये खुले ना। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत यूजफुल लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चाहे तो आप किनारे से आप इसे शेप भी दे सकते हैं, बॉडी शेप। तो इस तरह से हम घर पर ही रेडीमेड बाजू को बहुत ही ईजी तरीके से लगा सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।